मित्रों नमस्कार। पिछले कई एक दिनों से आपके साथ नहीं जुड़ पा रहा था, किसी कारणवश मैं कहीं बाहर गया हुआ था, जिसके कारण से आपके साथ मैं कुछ समय से नहीं जुड़ पा रहा। दोस्तों अब मैं अपने चैनल के साथ फिर से जुड़ूंगा और आपको हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस, हर एक ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हर एक छोटी मोटी जानकारी फिर से आपको इसी चैनल पर देखने को मिलने लगेगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि टाटा मोटर्स ने टाटा सफारी के डार्क एडिशन को लॉन्च किया है कल। इसके पहले टाटा सफारी जो है वो नॉर्मल एडिशन में, गोल्ड एडिशन में और अब आपको डार्क एडिशन में देखने को मिलेगा। क्या कुछ खास फीचर्स है इस डार्क एडिशन सफारी की, यही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। टाटा सफारी डार्क एडिशन के हर एक फीचर्स को देखेंगे, उसके इंटीरियर को भी देखेंगे, उसमें क्या बदलाव किए गए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पर आप टाटा सफारी के नए वाले डार्क एडिशन को देख पा रहे होंगे। काफी खूबसूरत लुक इसे दिया गया है, पूरी तरह से यह ब्लैक रूप इसे दिया गया है कंपनी की तरफ से। इसके पहले टाटा सफारी जो है वो आपको डार्क ब्राउन या फिर डार्क ब्लू कलर में ही देखने को मिलता था, जबकि आपको अब पूरी ब्लैक कलर में सफारी देखने को मिलेगा। देखिए टाटा सफारी का जो ब्लैक कलर है उसे ओबेरॉन ब्लैक नाम दिया गया है कंपनी की तरफ से, और ये ओबेरॉन ब्लैक इसके पहले टाटा हैरियर में भी आपको देखने को मिलता था, जो कि टाटा हैरियर का डार्क एडिशन कहलाता था। जबकि टाटा नेक्सॉन या फिर टाटा अल्ट्रोज का जो डार्क एडिशन था उससे ये कहीं हटकर है। देखिए कंपनी की तरफ से इसमें कहीं भी ग्रे कलर या फिर क्रोम का प्रयोग बहुत कम ही किया गया है या फिर नहीं किया गया है। बात करें हम सबसे पहले इसके ग्रिल की, देखिए इसमें तो ग्रिल है, जो नॉर्मल सफारी में आपको ग्रिल देखने को मिलता था, क्रोम का ग्रिल देखने को मिलता था, जबकि आपको डार्क एडिशन वाले सफारी में पूरी ब्लैक कलर का ग्रिल जो है वो देखने को मिल रहा है। आपके स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे जहां टाटा का लोगो आपको देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि टाटा के लोगो जो है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, वो एज इट इज जो कि नॉर्मल सफारी में था वो ही इसी सफारी में डार्क एडिशन वाले में भी सेम रखा गया है कंपनी की तरफ से। साइड प्लेट की अगर हम बात करें तो साइड प्लेट में जो है पहले आपको क्रोम देखने को मिलता था, ग्रे कलर में पहले नॉर्मल सफारी में आपको आता था वो साइड प्लेट है, जबकि इस डार्क एडिशन वाले सफारी में आपको पूरा ब्लैक कलर दिया गया है साइड प्लेट में भी। अगर हम बात करें इसके अलॉय व्हील की तो अलॉय व्हील जो है वो इसका व्हील जो है वो 18 इंच का दिया गया है, जबकि अलॉय व्हील को भी पूरी तरह से ब्लैक ही बनाया गया है कंपनी की तरफ से। इस अलॉय व्हील को ब्लैक स्टोन ब्लैक नाम दिया गया है। देखिए नॉर्मल वाले सफारी में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे क्रोम के रूप में अलॉय का प्रयोग किया गया था, जबकि इसमें आपको पूरी तरह से ब्लैक अलॉय का प्रयोग किया गया है, जो कि खूबसूरत लग रहा है देखने में और इसे अट्रैक्टिव और ज्यादा बना रहा है। वहीं अगर हम बात करें बैक साइड, इसमें क्रोम में एक हैशटैग डार्क लिखा हुआ आपको नजर आएगा, जो कि और भी इसे खूबसूरत लुक। अगर हम बात करें हैंडल की तो देखिए पहले जो आपको हैंडल आता था नॉर्मल सफारी में आपको क्रोम का हैंडल देखने को मिलता था, जबकि डार्क एडिशन वाले जो सफारी को लॉन्च किया गया है इसमें आपको पूरी तरह से ब्लैक हैंडल देखने को मिल पा रहा होगा, आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। विंडो लाइन जो है वो पहले क्रोम का आता था, जबकि अब आपको विंडो लाइन भी जो है वो पूरी तरह से ब्लैक नजर आएगा। देखिए सबसे बड़ी चेंजेस जो कंपनी की तरफ से इसमें किया गया है, पहले आपको सफारी जो है वो क्रोम के रूप में लिखा हुआ नजर आता था, आप साफ तौर पर अभी देख पा रहे होंगे सफारी जो लिखा गया है वो भी ब्लैक कलर में ही लिखा गया है इस डार्क एडिशन वाले सफारी में। बात करें इसके इंटीरियर की तो इंटीरियर में पूरी तरह से कार्बन फाइबर का प्रयोग किया गया है, पूरी तरह से इसे ब्लैक बनाया गया है, पूरी जितने भी सीट है इसको भी ब्लैक ही बनाया गया है। लेकिन सीट में एक बात खास है, इसमें जो आपको स्टिचिंग देखने को मिलेगा वो ब्लू कलर का मिलेगा, जो कि देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। साथ ही साथ हेड रेस्ट वाली जगह पे हैशटैग डार्क लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, जो कि काफी खूबसूरत है, काफी अच्छा लग रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसमें आपको आगे वाले दो सीट जो कि पायलट सीट होता है उसके पीछे को वेंटिलेटर का प्रयोग वेंटिलेटर दिया गया है इसमें, जो कि आपको महिंद्रा XUV 700 में भी नहीं दिया गया है। इसमें जो है आपको एंड्रॉइड के रूप में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो का प्रयोग किया गया है। देखिए साथ ही साथ आपको एयर प्यूरिफिकेशन वाला सिस्टम भी मिलने वाला है, जो कि नॉर्मल गाड़ी में आपको नहीं मिलता था। अब अगर हम बात करें सबसे अंत में इसकी प्राइसिंग की तो देखिए ये जो डार्क एडिशन सफारी है इसे शुरुआती एक्स शोरूम प्राइस 19.0
5 लाख रुपीज में लॉन्च किया गया है, जो कि बेस प्राइस की कीमत है। ये दो वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले XT+ और उसके ऊपर अगर आप जाइएगा तो XZ+। तो मित्रों, आज मैंने आपको टाटा सफारी डार्क एडिशन के कुछ फीचर्स, उसके स्पेसिफिकेशंस को बताया है, जो इसे नॉर्मल सफारी या फिर गोल्ड एडिशन वाले सफारी से अलग बनाता है। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपके साथ जुड़ूंगा फिर से। कल के दिन टाटा मोटर्स CNG के रूप में अपनी टाटा टिगोर को लॉन्च करने वाली है। इसका भी लाइव स्ट्रीम वीडियो आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है ये आपको भलीभांति पता है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और जब भी घर से बाहर निकले मास्क अवश्य पहने। धन्यवाद। जय भारत।